नमस्कार भैया, क्या हाल चाल? हम है अभिषेक यादव। दोस्तों, इसमें सत्तू को लेके चना को लेके हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल गूंज रहे हैं कि भैया सत्तू ले कि चना ले, चना ज्यादा फायदा करेगा सत्तू ज्यादा फायदा करेगा, चना सही तरीके से डाइजेस्ट होगा या सत्तू सही तरीके से डाइजेस्ट होगा। बहुत सारे सवाल इस समय हमारे दिमाग में गूंज रहे हैं। तो फिर दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे चने में और सत्तू में क्या अंतर है, क्या न्यूट्रिशन है, सब पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। तो फिर दोस्तों, बिना देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पहले बात करते हैं चना की। चना भैया बहुत ही तगड़ी और बहुत ही अच्छी चीज है, सबसे सस्ती चीज है और सबसे ज्यादा प्रोटीन और सबसे ज्यादा फाइबर न्यूट्रिशन से भरी हुई चीज है। तो फिर दोस्तों, चना बहुत तगड़ी चीज है। तो फिर दोस्तों, 100 ग्राम चने में करीबन 27 ग्राम कार्ब होता है और भैया 7.7 ग्राम प्रोटीन होता है। भैया 100 ग्राम चने में आपको 2.5 ग्राम हेल्दी फैट मिल जाता है और भैया ये फालतू वाला फैट नहीं है, पिज्जा बर्गर वाला हेल्दी फैट होता है। और भैया चने में अच्छी मात्रा में कार्ब भी होता है, 100 ग्राम चने में आपको करीबन 12 ग्राम कार्ब मिल जाता है। अब बात करते हैं भैया सत्तू की। सत्तू भैया होता क्या है? सत्तू भैया ये जो भुना हुआ चना होता है ना, इसके छिलके निकाल लीजिए और इसे मिक्सर में पीस लीजिए, हो गया भैया सत्तू बन गया। चने का पाउडर बना लीजिए, वही हो गया सत्तू भैया। इसे भैया आराम से आप 100 ग्राम, अगर आप कहीं जल्दी जल्दी में ड्यूटी जा रहे हैं तो भैया 100 ग्राम सत्तू पी सकते हैं। और भैया दूसरी की बात, चना कुछ लोगों को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। तो भैया चना अगर आपको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, तो उसकी जगह पर आप सत्तू ले सकते हैं। सत्तू लेने के फायदे क्या भैया? सत्तू लेने के बहुत सारे फायदे हैं। वर्कआउट से पहले भैया कम से कम आधा घंटा निकालोगे तब जाके भैया आप चना चबा पाओगे। सत्तू भैया तुरंत मिलाए पानी में पी लिए। दूसरी की बात भैया, चना कुछ लोगों को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, और भैया सत्तू अगर आप पियेंगे ना, सत्तू आराम से इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। तीसरी की बात है भैया, जितना प्रोटीन चने में होता है ना, उतना ही प्रोटीन सत्तू में भी होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है, बराबर प्रोटीन रहेगा। तो भैया आपका अच्छी तरीके से टाइम बच रहा है। सत्तू आपको लेना तो सत्तू सुबह भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। आपको सत्तू भैया अगर रेडीमेड सत्तू लेंगे ना, तो भैया थोड़ा महंगा मिलेगा। कुछ लोग भैया प्रमोशन वगैरह करते हैं ना, तो बताते हैं भैया ये सत्तू इतने का है ये ले लो, ये सत्तू इतने का है ये ले लो। ये जो घर पे आप सत्तू बना रहे हैं ये सही नहीं है, आप भुना हुआ चना ले लीजिए। 100 रुपए में आपको भैया 100 से 150 रुपए में आपको भुना हुआ चना मिल जाएगा, 1 किलो ले लीजिए, उसके छिलके उतार लीजिए, या फिर छिलका उतरा हुआ चना भी मिलता है वे भी ले सकते हैं। बस भैया मिक्सर में डालिए, पीसिए, पानी मिलाइए और पी लीजिए। तो फिर भैया सत्तू आपको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और भैया झंझट नहीं रहेगा कि भैया चना भिगोना है, ये भिगोना है, यो भुगेना है, कुछ नहीं, बस रेडीमेड आया, बस मिक्सर में डाले, पीसे, पी लिए। सत्तू भैया दूध में भी मिला के पी सकते हैं, पानी में भी मिला सकते हैं, भैया किसी में भी मिला के पियो, सत्तू पियो बस। तो फिर दोस्तों, जितने आपके डाउट थे वे हमने क्लियर कर दिए हैं, और आपकी तरफ से अगर और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।